सो गाइस आज सारे फैम्ब्रो मेंबर को मैं आज एक ऐसे न्यूज़ देने वाला हूँ दानिश ज़ेहन से रिलेटेड, जिसको सुनने के बाद आपको जो वो प्राउड फील होगा एज अ फैम्ब्रो मेंबर। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है एज अ फैम्ब्रो मेंबर। अगर आप दानिश ज़ेहन के फ़ैन हो, अगर आपको दानिश ज़ेहन किसी भी तरीके से अच्छा लगता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके फैला देना और ये बात जो पूरी दुनिया को बताना कि भाई एक वैसा बंदा जो अभी दुनिया में मौजूद नहीं होते हुए भी पूरी दुनिया पे छाया हुआ है और मचा रहा है पूरी दुनिया में। तो आप जो भी आपकी थिंकिंग है इससे रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो गाइस सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीच से दानिश ज़ेहन जो है वो 2018 में हम लोगों को अलविदा कहकर चले गए थे और उसके जाने के बाद आप लोगों को पता है कि जाने के बाद जो वो दानिश ज़ेहन की पॉपुलैरिटी में जो है वो और बहुत ही ज़्यादा चार चांद लग गया दोस्तों। बहुत सारे जो है वो बॉलीवुड स्टार भी दानिश भाई को जानते हैं और बहुत सारे जो है वो स्टोरीज़ भी पोस्ट किया था। तो उसमें से एक स्टोरी जो वो वरुण धवन सर ने भी जो है वो पोस्ट किया था, जो कि बॉलीवुड के एक हीरो हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दानिश ज़ेहन और वरुण धवन से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी 2020 को वरुण धवन की एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है मैं स्ट्रीट डांसर 3D। तो यार ये तो मूवी का नाम हो गया। अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर आपको जो वरुण धवन का जो लुक देखने को मिलेगा वो दानिश ज़ेहन से इंस्पायर्ड होकर के जो वो उसमें लुक को देखने को मिलेगा। वरुण धवन का जो आपको लुक, वो जो सारा लुक आपको जो दिखेगा मूवी में, वो दानिश ज़ेहन से इंस्पायर्ड होकर के जो वो जो लुक जो वो लिए वरुण धवन। तो इसी चीज़ को जो है वो पोस्ट आज वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में किया, जिसको सुनने के बाद क्या था भाई, पूरा दुनिया में तहलका मच गया और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दानिश ज़ेहन के चाहने वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वरुण धवन सर ने यहाँ पे दो फोटो पोस्ट किया है, जिसके बगल में आप देख पा रहे हो कि दानिश ज़ेहन की भी फोटो आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली समझा देता हूँ कि जो मूवी आने वाली है बेसिकली जो स्ट्रीट डांसर 3D, तो वो उसमें जो वो वरुण धवन का जो लुक है वो दानिश ज़ेहन के लुक से जो वो इंस्पायर है। और वरुण धवन ने ये भी कहा कि दानिश अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक बेहतर दुनिया में है, लेकिन हम सब का प्यार अब भी उसके साथ है। ऐसे में मैंने सोचा कि सभी को बताया जाए कि दानिश ने हमें भी इंस्पायर किया है। जी हाँ, तो वरुण धवन को भी दानिश ने भाई ने जो वो इंस्पायर्ड किया है और ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन के यंगस्टर और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया है दानिश ने इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद। उसमें से आपका भाई भी है, तो आपका भाई तो दानिश भाई को पिछले 4 साल से फॉलो करता है। अगर आप लोग मुझे शुरू से जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं दानिश ज़ेहन को पिछले 4 साल से फॉलो करता हूँ। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही थी भाई, देखो यहाँ पर लोग काम निकालने के बाद इंसान को भूल जाते हैं, यहाँ पर जो एक इंसान इस दुनिया में नहीं है उससे इंस्पायर्ड होकर के भाई मूवी में लुक लिया जा रहा है दानिश भाई। तो आप सोच सकते हो कि बंदे का लेवल क्या होगा और उसके चाहने वाले का, आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा चाहने वाले, कितने ज्यादा फैंस है उसको इस दुनिया के जाने के बाद भी आप देख पा रहे हो कितने ज्यादा फैंस जो है वो उनको अपने दिलों में जिंदा करके रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, मैंने सोचा आप लोगों तक इस बात को पहुंचाई जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो क्वालिटी वैसे घटिया है मुझे पता है, जल्दी आपको अपडेट देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी में। सो गाइस आप लोग क्या सोचते हो लिटरली इसके बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय एंड फैम ब्रो फॉरएवर।